आप देख रहे हैं ब्रजभूमि न्यूज, ब्रज की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम ब्रजभूमि न्यूज। मित्रों, अब मैं जिस व्यक्तित्व को आमंत्रित कर रहा हूं, अगर मैं ये कहूं कि देखिए हमारे प्रताप जी तो खैर यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन अगर प्रथित पन्नमति की बात करूं तो प्रताप जी के बाद अगर दूसरा नंबर मैंने हिंदुस्तान में किसी को माना है उसका नाम है दीपक सैनी। ऐसी हाजिर जवाबी, मैं हकीकत के साथ आपको बताता हूं, मथुरा का एक भोला सा लड़का पहली बार बेचारे ने मोबाइल रखा, दीपक सैनी को दिल्ली में मिल गया। अब वो मोबाइल पे साहब उसके छपा आ रहा था ईस्ट मालवीय नगर, तो उसने पूछा, भाई साहब आप दिल्ली में रहते हैं क्या? दीपक जी बोले हाँ बताओ। बोले भाई साहब पता नहीं क्या मेरे मोबाइल पे, मैं तो मथुरा का रहने वाला हूँ, ये छप के आ रहा है ईस्ट मालवीय नगर। बोले बेटा गलती तुम्हारी नहीं है, ऐसा है तुम ईस्ट मालवीय नगर में खड़े हो इसलिए छप रहा है ईस्ट मालवीय नगर। तो लड़का बोला क्यों साहब, सड़क के उस पार खड़ा हो जाऊं तो क्या छपेगा? बोले इसमें छपेगा वेस्ट मालवीय नगर। अब लड़का तो साहब मथुरा का था, बोला भाई साहब ये बताइए अगर सड़क के बीचों बीच खड़ा हो जाऊं तो क्या छपेगा? दीपक जी का जवाब सुन लेना। बोले बेटे खड़े होके देख ले अखबार में, तू ही छपेगा, ये दिल्ली है। वास्तव में अगर प्रतुत्पन्नमति का मैं बादशाह किसी को मानता हूं तो प्रताप फौजदार के बाद दीपक सैनी को मानता हूं। जोरदार तालियों से आप खुद आमंत्रित करें दीपक सैनी को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। राम सर, ये मेरे आते क्यों भोंक रहे हैं? सर आपको विशेष प्रणाम। महेश पाठक जी, आपके अलावा तो कोई नेता नहीं बैठे ना? नहीं बैठा भी हुआ तो क्या, कुछ नेता अच्छे भी होते हैं। एक बात पहले आपको शुरुआत में बता देता हूं, हम ज्ञान के तट पर खड़े हैं, इस ऐसे समाज के सामने खड़े हैं जो ज्ञान की गंगा है, ज्ञान का अथाह सागर आपके पास है। मैं फिर भी एक उससे भी बड़ा मैं ज्ञान आपको देना चाहता हूं। इस कार्यक्रम में सबसे ज्ञान की बात यही है जो मैं आपको बता रहा हूं। ईश्वर ने सबसे बढ़िया चीज बनाई मनुष्य, मनुष्यों में सबसे बढ़िया चीज बनाई कवि, कवियों में सबसे बढ़िया चीज बनाई अच्छे अच्छे कवि, और अच्छे कवियों में सबसे बढ़िया चीज बनाई हैंडसम कवि। एक हैंडसम कवि आप सभी को प्रणाम करता है। हालांकि पीछे बहुत सारे हैंडपंप भी रखे हुए हैं। दरअसल क्या है कि आजकल टेंशन का माहौल है सर, इतनी टेंशन फैल गई, हंसना हंसाना बड़ा मुश्किल काम है। अभी मैंने ऐसा अद्भुत मंच पहली बार देखा जहां पे हम यमुना के अंदर खड़े हैं और आप सब घाट पे सुन रहे हो। मैंने रामसरन जी से कहा, मैंने ऐसी व्यवस्था क्यों कराई गई है? बोले जिसकी कविता ठीक नहीं लगेगी ना उसके लिए उपाय है ये। मैंने कहा भी कैसे कैसे उपाय? बोला देख सामने तो घंटियां हैं, वहां लोग खड़े हैं, जिसकी नहीं लगेंगी टन 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 करके बजा देंगे। मैंने कहा अच्छा फिर भी कवि पढ़ता रहेगा? तो बोला ये सारे चप्पू खोल देंगे। मैंने कहा 12 बजे के बाद खोलना, सुबह गीता कॉलोनी निकलेंगे हम। क्या है कि आजकल टेंशन है, टेंशन इतनी हो गई, हमें तो ज्यादा टेंशन है क्योंकि मैं दिल्ली से आया हूं और हमारा तो मुख्यमंत्री भी ऐसा आ गया, सबसे बड़ी टेंशन है भाई साहब। देख लो हमारी एक कवित्री कम हो गई उनका नाम लेते ही। भाई साहब इतनी, आप दिल्ली में कभी आना, केजरीवाल जी ने इतनी टेंशन दे रखी है, लेकिन हमारे कवियों के बहुत काम आ रहे हैं। वो जितना दिल्ली के नहीं आ रहे उतना हम कवियों के काम आ रहे हैं। आजकल उनको एक ही काम चल रहा है, आप सबको यहां से लेके वहां तक लगे कि मैं ठीक कह रहा हूं तो मुझे तालियों से बताना। भाई साहब आजकल उनका एक ही काम है, माथुर साहब सुबह सुबह उठो कपड़े पहन के नहा धोके शीशे के सामने जाओ और एक ही डायलॉग, और उस पर मेरा जवाब सुनना। उनका एक ही डायलॉग है, दिल्ली पुलिस मुझे दे दो ठीक कर दूंगा, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो मैं ठीक करके दिखा दूंगा, दिल्ली पुलिस एक बार दे दो, बस एक बार कोई मुझे दिल्ली पुलिस दे दो ठीक कर दूंगा, दिल्ली पुलिस दे दो ठीक करके दिखा दूंगा। मैंने कहा सर दिल्ली पुलिस भी तो यही कह रही है। एक बार दे दो बस, ठीक तो अपने आप कर लेंगे। ऐसे विज्ञापन है भाई साहब, ऐसा लगता है हमने मुख्यमंत्री विज्ञापन देने के लिए बना रखा है। ऐसे विज्ञापन ना तो कभी अतीत में आए ना भविष्य में कभी आएंगे, कभी नहीं आएंगे। आप दिल्ली में आ जाओ, सड़कों पे इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, इतने बड़े बड़े, डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे उनका फोटो। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया साफ मच्छर है कि डेंगू है।
चल रहा है जी, कुछ भी कह लेते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कह देते हैं आजकल। अभी दिल्ली में पुल बन रहा था भाई साहब, वो पिछले 10 सालों से पुल बन रहा था, कांग्रेस के टाइम से, शीला दीक्षित जी के टाइम से ही, अब वो बनके तैयार हो गया, लेकिन उनपे उनकी राजनीति शुरू हुई, पूरे देश में एड उसका पुल का शुरू हो गया। हमने सस्ता पुल बना दिया जी, सबसे सस्ता पुल हमने बनाया जी, इतना सस्ता नहीं बना जितना हमने सस्ता बना दिया, इससे सस्ता बन नहीं सकता जितना सस्ता मैंने बना दिया, सबसे सस्ता बनाया मैंने, सबसे सस्ता हमने बनाया जी, हमने बनाया सबसे सस्ता, इससे सस्ता नहीं बना जी। भाई साहब उस पर चलते हुए डर लगता है साला ज्यादा ही सस्ता ना बन गया हो। शुक्रिया। क्या है कि टेंशन है ये, टेंशन क्या पॉलिटिक्स से आती है, सारी टेंशन ही राजनेताओं ने दे रखी है। मैं यहाँ जो बैठे उनकी बात नहीं कर रहा, तो बहुत अच्छे हैं, ये वही है जो बंद होने से पहले 1500 के सारे नोट हमें ही देंगे। बंद हो गए जी, कोई नहीं, हमारे पास क्या दिक्कत, हम तो भाई साहब एटीएम वाले, नहीं नहीं ऐसे ऐसे बंद नहीं होते जी। हमें तो भाई साहब 500 का मिलते नहीं, 500 में तो सारे आए हैं हम। क्या है कि नेताओं ने टेंशन दे रखे, मुझे याद है दिल्ली में 4-5 नेता गांव में दौरा कर रहे थे, सबकी गाड़ी आपस में टकरा गई, सारे चल बसे, गांव का प्रधान निकल के आया, हिंदू का अंतिम संस्कार किया, मुस्लिम को दफन किया, सुबह पुलिस आई, गांव के प्रधान को बुलाया, बोला तूने सारे नेताओं को निपटा दिया, कोई जिंदा तो नहीं था? गांव का प्रधान बोला जी एक तो बोल भी रहा था मैं जिंदा हूं, हमने सोचा झूठ बोल रहा होगा। एक से बढ़कर एक नेता हमारे देश में है, मुझसे पहले खुशबू जी आई, खुशबू जी ने बहुत अच्छी अच्छी प्यार प्रेम की बात की, इन्होंने बताया कि आप उधर ही देखे जा रहे थे, कईयों के तो मुंह भी अभी तक खुले हुए हैं, अब उनके तुरंत बाद मुझे बुला लिया, आप पहले खुशबू जी को देखो फिर मुझे देखो, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सानिया मिर्जा के बाद मलिंगा देख लिया हो। अच्छा मुझे मलिंगा सुनकर राम सरन जी वो भी हंस रहा है जिससे खुद के बाल जयसूर्या के जैसे हैं। ये टेंशन है, पता नहीं क्यों टेंशन दे देते हैं, तलवार पे चल सकती हूं मैं, बिना खर्चे के पल सकती हूं, उसकी पेमेंट काटो आज, काय की टेंशन है बताओ, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है कि टेंशन नेताओं ने दे रखे। मैं कुछ नेताओं को आपके मंच पर उतारता हूं, क्योंकि मेरा नाम दीपक है, पीछे यमुना मैया के चित्र आपने लगा रखा है, तो आप बिल्कुल ऐसे समझना जैसे यमुना जी के सामने कोई दीप जल रहा है और आप उसकी पूजा कर रहे हैं, सुनिएगा। एक से बढ़कर एक नेता जी, मैं कुछ नेताओं को आपके मंच पर उतारता हूं। एक नेता जी बिहार में लालू प्रसाद यादव, आप सब जानते हैं, लालू जी मोदी जी से बहुत दुखी है, गठबंधन में जीत गए फिर भी दुखी चल रहे हैं भाई साहब, पर सामने आप जैसे इंटेलिजेंट लड़के बैठे होते हैं एक लाइन में निपटा देते हैं। लालू जी जैसे भाषण देने आए, एक घंटे भाषण दिया लड़के ने, एक लाइन में निपटा दिया। लालू जी जैसे मंच पे आए, नरेंद्र मोदी हर हर मोदी, अच्छा दिन नरेंद्र मोदी, अच्छा दिन कब आएगा, कब अच्छा दिन आएगा कब। नीचे से लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का उप मुख्यमंत्री बन गया और कितने अच्छे दिन लोगे। छागे जी होगी पेमेंट, बैठ जाओ। प्रताप जी आज ये इन वाले भाई सबको बिठाना हाथी पे, ये पीले वाले नहीं, ये कहां पेमेंट करेंगे, ये तो इस चक्कर में आएंगे को जो बंद हुआ है वो मिल जाए इनको। एक से बड़े एक नेता है जी, एक नेता है या पता नहीं थे, नवजोत सिंह सिद्धू, अभी तो हैं, हो सकता है जी आपकी पार्टी में ही गिरे। हाँ उनका भी स्टाइल अलग है, जब वो बात करते ना उनका भी स्टाइल अलग है। मैं और प्रताप जी लाफ्टर शो में थे, हम लोगों को माइक ले जाकर रख के चुटकुले सुनाने होते थे, वो हमसे पहले ही शुरू हो जाते थे। एक लड़का जैसे ही माइक रख के आया, गुरु मैं कहता हूं तुझमें वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी, दशक को सदी बना दिया। माय डियर फ्रेंड तुझमें वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने गागर सागर। बंदा डर गया, बोला जी माफ करो मैं तो माइक टेस्ट करने आया था। एक से बढ़कर एक नेता जी, लेकिन सर मैंने एक नेता ऐसे ढूंढे पूरे देश में रिसर्च करके जिनका भाषण 3 पीढ़ियां समझ नहीं पाई, नाम नहीं बताऊंगा और आप समझ जाओगे, मुलायम सिंह जी के बारे में बोल रहा हूं। भाई साहब उनका भाषण बड़ी मुश्किल से समझ में आता, किसी को समझ ही नहीं आता। अच्छा मुझे बिल्कुल मजे लेना आप, अच्छा मुझे तो क्या अखिलेश जी को कई बार समझ में नहीं आता। मैंने एक बार अखिलेश जी से पूछा आपके पिताजी ने क्या कहा, उन्होंने जो भी कहा ठीक कहा, क्या कहा यह नहीं पता। पिछले दिनों महंगाई में भाषण दे रहे थे और पूरे भाषण में यही समझ आ रहा था हमारे देश में गरीब मर रहे हैं। आपको लगे कि मुलायम सिंह जी इस मंच पर आ गए तो मुझे तालियों से बताना, बस यही समझ आ रहा था हमारे देश में गरीब मर रहे हैं। उन्होंने जैसी भाषण देना शुरू किया,
उत्ता पजेगा हमा जनता। हमा बात चली गोल लग रहा हमा भाई सिपाल और हमारे बाल हमें लिख कर जो हमारे अखिलेश्वर हम बोला अमर सिंह हमारे जितनी चल रही और हमारे पेन निकाल कर हम डायरी पर लिखो बोले नरेंद्र मोदी को हमारे गरीब मर रहे हो हमारे देश भाई। एक बार जोरदार तालियां, क्या बात है। बात मुझे भाई साहब कुछ समझ में नहीं आया, मैंने थोड़ा टीवी का वॉल्यूम तेज किया, मैंने कहा अब शायद कुछ समझ में आ जाए। वो दोबारा शुरू हुए, हमारे घर में हुई लड़ाई, हमारा बेटा बोला कि हमारा बोला भाई सिपाल वो हम अमर सिंह आए, हम बोले हमारे पार्टी में जो भी हुआ हम डायन निकाल नरेंद्र मोदी बने प्रधानमंत्री। अब वो मायावती हम तुम्हें बुआ, और बोले हम नहीं मानने बुआ, और हमने बोल के हमारे पार्टी तो हम माननी पड़ेगी, बोले हम नहीं माने तो हमें फिर पेन निकालो और हम फिर डायरी पे लिखो और हमारे जितते चले हमारे गरीब मर रहो हमारे देख। मुझे भाई साहब फिर समझ में नहीं आया, मैं पिताजी को ले आया बुला के, मैंने कहा रक्षा मंत्री बताए देश के पता नहीं क्या बोल रहे हैं। और जब वो फिर शुरू हुए, हमारा बेटा अखिलेश, हमारा भाई सिपाल, तो हम अमर सिंह से बात करो तो हमारे जितते चल ली गोली और हम पेन निकालो और बोले हमारे बुआ बोलो और हमने नहीं चल ली तो हमें जय दिल्ली, तो हम दिल्ली से आए लखनऊ, बोल लखनऊ से फेंक गए दिल्ली, और जब हमारी बात नहीं चली गरीब मर रहो हमारे देख। पिताजी बोले बेटा टीवी बंद कर दे, थोड़ी देर और बोलता रहा तो लोकसभा के सारे गरीब ऐसे ही मर जाएंगे। ठीक है भाई साहब, ये मुझे कुछ कांग्रेसी से लग रहे हैं। नहीं आप बार बार और करो और करो और करो, बहुत भाई साहब बहुत मन से, सबसे मन से आप ही सुन रहे हो, सही बता रहा हूं। हाँ एक से बढ़ गए नेता जी, नेता तो राहुल जी भी हैं, भले ही हम उनको ना माने, है तो है भाई, क्या कर सकते हैं हमसे, हम तो क्या बोलेंगे उनके सामने। अभी परसों तरसों उनको गिरफ्तार किया और उन्होंने कहा मोदी जी ये भारत के इतिहास में क्या हो रहा है, अब उनको ये नहीं पता कि इतिहास है या वर्तमान है। पता नहीं लगता भाई साहब, ये कहते हैं पाकिस्तान को ये कर दो पाकिस्तान को वो कर दो, मैंने तो एक बार कहा, मैंने कहा पाकिस्तान अपने आप निपट जाएगा, राहुल जी को भेज दूंगा। बोला भी राहुल जी कैसे निपटा सकते हैं, मैंने कहा जो 115 साल पुरानी पार्टी को निपटा सकता हो। पता नहीं लगता भाई साहब, उनका भी ना भाषण में मुझे तो क्या उनको खुद ही नहीं पता लगता कभी कभी। आदमी ठीक है, भला बच्चा है बेचारा, अभी ट्रेनिंग में है, सीख जाएंगे सब कुछ, हम ये नहीं कह रहे, वो आदमी धीरे धीरे सब सीख जाता है। तो एक बार भाषण दे रहे थे दिल्ली में, वो पहले 9 सिलेंडर मिलते थे उनके राज में, उसके बाद 3 और बढ़वा के हो गए 12। अब उनका भाषण देखना आप और मजे लेना, बारीक बात को पकड़ना। उनका भाषण शुरू हुआ, भैया पहले हमारी सरकार में 9 सिलेंडर मिलते थे, अब हमने 3 और बढ़वा दिए हैं, 9 और 3 कितने होते हैं। नीचे से किसी ने कहा 12, मेरी दादी भी यही कहती थी 9 और 3 12 होते हैं। मेरे पिताजी भी मानते थे कि 9 और 3 12 होते हैं, आप सब भी ये मानते हो, आपकी हमारी सोच कितनी मिलती है। लेकिन सर सबसे बढ़िया आइटम तो हमारे दिल्ली वाला ही है, बाकी सब पीछे चल रहे हैं अभी। सही बता रहा हूं जी, केजरीवाल जी का पता ही नहीं लगता कि वो कब क्या बोलते हैं। मोदी जी की डिग्री मांग ली मैंने एक बार उनसे, उनका इंटरव्यू लिया, आप इंटरव्यू के मजे लेना, बहुत लंबा इंटरव्यू लिया, छोटा छोटा सुनाता हूं। उनका इंटरव्यू लिया मैंने, मैंने कहा अरविंद जी ये बताओ सीबीआई ने रेड मार दी तो क्या हो गया। सीबीआई अपना काम करिए, आप अपना काम करो, आपको पता नहीं है सीबीआई ने रेड मार दी, मेरी फाइल लेके भाग गए वो लोग, फाइल चाहिए मुझे मेरी फाइल लेके भाग गए, सर्टिफिकेट था उसके अंदर मेरा, सर्टिफिकेट ला के दो, मेरा सर्टिफिकेट ला के दो, मर जाऊंगा यहीं धरना दे दूंगा, जिंदगी में खत्म कर दूंगा अपनी, फाइल लेके भाग गए, सर्टिफिकेट था मेरा। मैंने कहा जी क्या लिखा था सर्टिफिकेट में, उस सर्टिफिकेट में लिखा हुआ था दुनिया में सबसे ईमानदार आदमी मैं ही हूं। मैंने कहा जी वो सर्टिफिकेट बनाया किसने था, मैंने बनाया था जी खुद, मैंने बनाया था। मैंने कहा आपने मोदी जी की डिग्री मांग ली, आपने क्यों मांगी। अरे डिग्री मांग ली खाने के लिए मांगी थी, नरेंद्र मोदी की डिग्री, मैंने डिग्री मांग ली क्या होगा, डिग्री मांग ली तो अपने बच्चों को दिखाता बड़ा होकर ये वाला कोर्स करना है।
डिग्री मांग ली, डिग्री मांग ली। और सर क्योंकि आप राजनीति से बैठे हैं, एक बहुत बारीक बात कर रहा हूँ, आपको भी सबसे ज्यादा पसंद आएगी मुझे पता है। मैंने कहा आप दिल्ली में आए, आपने कहा ये सस्ता कर दूंगा, वो सस्ता कर दूंगा, वो सस्ता कर दूंगा, आपने क्या सस्ता किया? अरे राजनीति इतनी सस्ती तो कर दी। हाय हाय हाय, बहुत अच्छे। उनके 67 विधायक हैं दिल्ली में, 67। अब देखना, आपको पता नहीं है नरेंद्र मोदी ने मेरे को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, कंगाल कर दिया, बिल्कुल बर्बाद करके छोड़ेगा मेरे को, मेरी जेब में खाली कैलकुलेटर बचा है बस एक। मैंने कहा जी कैलकुलेटर का क्या करते हो? कैलकुलेटर रखना पड़ता है जेब में हिसाब किताब के लिए कि 67 में से जेल गए इतने तो बचे कितने हैं। ये है सर, सारी टेंशन चल रही है, लेकिन हमारा क्योंकि इतना बड़ा देश है, नेताओं ने टेंशन दी तो कुछ लोग ऐसे भी आए जो नेताओं को जिन्होंने टेंशन दी, जैसे बाबा रामदेव अभी भी दे रहे हैं, पर अब ये नहीं पता कि किसको ज्यादा दे रहे हैं। हमारा तो कवि ने कहा इनका नाम बदल के रख दो लाला रामदेव, सब कुछ बेच रहे हैं भाई साहब। एक बार ऐसी मंच बनाया हुआ तो सबको योग सिखा रहे थे बाबा, अचानक उनकी आंख फड़कने लगी, किसने कहा बाबा आपकी आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नीचे बैठ जा, कपाल भाती कर रही है। तभी उनके पास एक फोन आया, बोला देश के सारे नेता आएंगे, अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे। बाबा ने कहा बुलाओ सारे नेता सामने बाबा मंच पे। नेताओं ने कहा बाबा हमें भारत से करप्शन खत्म करना है, क्या करें बताओ? कुछ नहीं करना, पहले चटाई बिछाओ। अब अपना पेट धीरे धीरे अंदर करे, इतना भी नहीं कि भीतर की कुंडी बंद हो जाए, अब धीरे धीरे बाहर करे, इतना भी नहीं कि वापस आए तो किडनी भी पहचानने से इनकार करे। तभी एक नेता खड़े हुए, बोले बाबा पेट अंदर बाहर करने से करप्शन कैसे खत्म होगा? करता जा, पेट तो कम होगा। अचानक बाबा की आंख फिर फड़कने लगी, मस्ती का माहौल है, पूरी मस्ती लेना, टेंशन मत लेना। बाबा की आंख अचानक फिर फड़कने लगी, सामने से मायावती जी खड़ी हो गई, बोली बाबा आप तो आंख मार रहे हो बीच बीच में, नीचे बैठ जाओ, 50 साल तक ब्याह नहीं करवाओगे तो सारे आंख मारते दिखेंगे। बाबा ने अनुलोम विलोम कपाल भाती प्राणायाम खूब कराया, एक दिन अचानक उठे, बाहर निकल के देखो करप्शन बिल्कुल खत्म हो गया। किसने कहा बाबा कैसे हो गया? तुम सारे यहां बंद हो, फैलाएगा कौन? प्रताप फौजदार जी बैठे हैं, हम लोग लाफ्टर शो में साथ में थे, प्रताप जी भी कलाकार आदमी तो है ही, आपको पता है। अच्छा कुछ लाफ्टर के इतने बड़े आर्टिस्ट बन गए और ऊपर से आगे मोबाइल, मोबाइल पे आदमी झूठ भी बोलता है। मैंने जब लाफ्टर शो से आया ना, इनको एक बार फोन मिलाया, मैंने कहा भाई साहब कहाँ हो? बस यार मैं तो लंदन में घूम रहा हूँ, तू कहाँ है? मैंने कहा मतलब आप आज आप बिजी हो, थोड़े दिन के बाद मिलाता हूँ। थोड़े दिन बाद मिलाया, भाई साहब कहाँ हो? मैं तो यार स्विट्जरलैंड घूम रहा हूँ, तू कहाँ है? मैंने कहा अच्छा आज भी बिजी हो, थोड़े दिन बाद मिलाता हूँ। फिर मिलाया, भाई साहब कहाँ हो? यार मैं सिंगापुर आ गया था शॉपिंग करने, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा घर पे टिक नहीं रहे बिल्कुल भी। मैंने कहा घर पे क्या, नीचे बच्चा खेल रहा था। मैंने कहा पापा कहाँ? बोला जी ऊपर बर्तन मांज रहे हैं। मैंने इनको फोन करा, मैंने कहा भाई साहब कहाँ हो? बोला सिंगापुर आया हूँ यार, तू कहाँ है? मैंने कहा नीचे आ जाओ, सिंगापुर के गेट पे खड़ा हूँ। ये है जी सारी टेंशन का क्या है भाई साहब, टेंशन तो कहीं से भी हो जाती है, प्रैक्टिकल करके देख लो। आप यहां से निकल के बाजार में जाना, जो भी पहला आदमी बिना जान पहचान का मिल जाए उसको नमस्ते कर देना, उसको टेंशन हो जाएगी। पूरा रस्ते सोचेगा यार ये पता नहीं कौन था। अगर कोई सुंदर सी लड़की आ जाए पति को नमस्ते कर दे, पूरे घर में टेंशन। 20 साल बाद भी पूछेगी बताओ कौन थी? मेरी तो सर अभी शादी हुई नहीं, हुई क्या नहीं, हो ही नहीं रही। अभी मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसलिए मैं शादी नहीं करवा रहा भाई साहब। भाई ना करवा के किसी के लिए तो बचा ही रहा हूं। खुशबू जी आई, रुचि जी आई, उन्होंने रामसरिन जी ने बताया महिलाओं के बारे में, महिलाएं अपनी उम्र छिपाती है, वाकई छिपाती है भाई साहब। मैं तो ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ पे, ऊपर वाली पे 30-35 साल की महिला, नीचे वाली पे 70-80 साल की महिला, बीच में मैं फंसा हुआ। ऊपर वाले ने नीचे वाले से पूछा, बोला बहन तुम्हारी उम्र क्या होगी? 70-80 वाली बोली होगी 30-35, इतना तो चिदम्बरम ने भी नहीं किया था। अब 70-80 वाले ने 30-35 वाले से पूछा, बोला तुम्हारी कितनी होगी? बोली होगी 18-20। मैं बर्थ से नीचे गिर गया, बोली क्या कर रहे हो? मैंने कहा पैदा होने की कोशिश। नहीं बताती लेडीज अपनी उम्र, कभी नहीं बताती। एक आध कोई होती है खुशबू शर्मा जैसी जो बता देती है 46 हो गई, वरना कोई नहीं बताती। मेरी तो अभी शादी नहीं हुई, लेकिन मुझे पता है शादी के बाद क्या होता है। शादी होती है, पत्नी अपने पति को बुलाती है, जरा भाई वो बेचारा ऐसे जाता है जैसे चुनाव हारने के बाद नेता अपने दफ्तर में जाता है,
हाँ जी, ये दोस्त तेरा बहुत खराब है, इसे बात करना बंद कर, कल से वो उससे बात करना बंद कर देता है, फिर एक दिन बुलाती है, कल से ये पीना बंद कर, वो खाना बंद कर, आईपीएल पे सट्टा लगाना बंद कर, जब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल सुधर जाता है ना, अचानक रोमांटिक होकर बोलती है बाप पहले जैसे नहीं रहे। बेचारा पहले जैसा कहां से रहेगा, तो उन्होंने सॉफ्टवेयर तो पहले ही मिटा दिया इसका। बहुत बढ़िया भाई साहब, कविता सुना दो ना, कौन सी खेलने वाले सुनाओ, ये मीडिया भैया अन्ना हजारे, अन्ना हजारे, हाँ अन्ना हजारे जी याद भी है इनको, अन्ना हजारे कोई नहीं जानता ये बंदा, नहीं नहीं सब सब जानते हैं, देख लो कभी सुन के यहीं धरने पे बैठ जाए और जाए ना। मैंने एक इंटरव्यू बनाया था अन्ना जी और केजरीवाल जी का, जिस समय इनका लोकपाल, लोकपाल भी आपको पता है जब चल रहा था, पता है ना आपको सबको, लोकपाल आंदोलन चला, अब मुझे पता नहीं आप कितना सुनेंगे, लेकिन क्योंकि रामसरन जी ने कहा तो मैं सुना देता हूँ। उन्होंने धरना दिया, किसी भी बात पे दे सकते हैं अन्ना जी, तो उन्होंने धरना इस बात पे दिया कि फिल्मों में लड़कियां जो कपड़े पहनती है वो नहीं पहनने चाहिए, उनको अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, अंग प्रदर्शन फिल्मों में नहीं होना चाहिए, अच्छे कपड़े सांस्कृतिक कपड़े पहनने चाहिए, भारतीय कपड़े पहनने चाहिए, अंग प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, अब उनका आंदोलन था। अरविंद केजरीवाल जी को भी बिठा लिया और अन्ना जी भी बैठ गए, मीडिया वाले आए, मीडिया वाले ने अरविंद जी से पूछा, बोला अरविंद जी आपका आंदोलन कब से शुरू होगा, ये तो अन्ना जी से पूछ के बताएंगे आपको, एक बार अन्ना जी से डिसाइड कर ले फिर बताएंगे। बोला जी ये बताओ फिल्मों में अंग प्रदर्शन करते हैं हीरोइन का आपको प्रॉब्लम क्या है, नहीं प्रॉब्लम हमको यही होती है कि हम लोग फिल्में नहीं देख पाते, बाहर के लोग आके बताते हैं फिर हमें दुख होता है, हम भी देश के नागरिक है जी, हमारा भी कुछ अधिकार है। बोला अरविंद जी आपका भी अंग प्रदर्शन नहीं करते, हम तो बिल्कुल भी नहीं करते जी, हमारे घर पे आकर देखो हमारा कच्छा भी घुटने से लंबा है, हम कभी नहीं करते जी, आप चाहते क्या है, हम लोग तो ये चाहते हैं कि एक ड्रेस पाल बने जो बताए कैसी ड्रेसेस पहननी चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब अन्ना जी से पूछा, जितने मेरे बुजुर्ग हमारे बुजुर्ग बैठे हैं वो बहुत मजे लेंगे इस बात के, अन्ना जी की फीलिंग समझना आप। मैंने कहा अन्ना जी फिल्मों में अगर हीरोइनें कम कपड़े पहनती हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या है। अच्छा आपने बहुत सारे कलाकारों को सुना होगा, अन्ना हजारे की आवाज आपने कभी किसी से सुनी नहीं होगी, अभी अन्ना जी पे फिल्म आ रही है उसमें भी नहीं सुनोगे इतनी बढ़िया आवाज आप। बोला आपको प्रॉब्लम क्या है अगर हीरोइनें कम कपड़े पहनती है तो। अन्ना जी ये कांग्रेस का साजिश, अरे मैं जब जवान तो कपड़ा पूरा, अब मैं बूढ़ा हो गया दिखना बंद, फिल्मों में कपड़ा नहीं, यह तो करप्शन है, अरे यही तो करप्शन है, मैं तो चाहता हूं शरीर में प्राण है तब तक लड़ते रहूंगा, अगर प्राण भी गया परवाह नहीं, परवाह नहीं। अच्छा इतने में अन्ना जी से पूछा, बोला अन्ना जी बाबा रामदेव भी तो कुछ नहीं पहनते, वो कुछ नहीं बोले। उनसे फिर पूछा, बोला जी बाबा रामदेव भी कुछ नहीं पहनते, वो फिर कुछ नहीं बोले। अच्छा जब तीन चार बार कुछ नहीं बोले तो पीछे से केजरीवाल जी की आवाज आई, अन्ना जी अभी मौन पे चले गए हैं, स्टेटमेंट आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा, शुक्रिया। लीजिए मैं एक कविता छोटी सी आपको सुना देता हूँ, प्रताप फौजदार जी तक को हमने सुनना है, एक कविता मैं सुनाता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखते हैं कुछ खबरें आ जाती हैं, कुछ नहीं आती। अच्छा आजकल एक और मीडिया आ गया फेसबुक व्हाट्सएप भी आ गए, खबरें आ जाती हैं कहीं से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मुझे लगता है कुछ चीजें ऐसी दिखाता है जो शायद वो ना दिखाता तो हमें कभी ना पता चल पाती, लेकिन कुछ चीजें वो ऐसी दिखाता है जिसकी देश को जरूरत ही नहीं है। खुशबू जी है, न्यूज एंकर है, MH1 चैनल में आप इनको रोज देखते होंगे बॉलीवुड शो में, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मीडिया को दिखाने की जरूरत नहीं पर मीडिया फिर भी दिखा रहा है। अच्छा बच्चे बच्चों को पता है भाई साहब ऐसी ऐसी चीज दिखाता है वो, अब क्रिकेट मैच चल रहा है तो मदन लाल को बिठा लेते हैं पुराने क्रिकेटर को और उनसे ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं आप पूरे दिन हंसोगे, पूछते हैं मदन लाल जी ये बताओ हमारी टीम को रन बनाने के लिए क्या करना चाहिए। अच्छा मदन लाल भी पट्टा सीरियस हो जाता है, कहता ब्रेक के बाद बताऊंगा। अब हमारा देश ऐसा देखता है ये पता नहीं क्या बताएगा जो हमें नहीं पता, वो फिर पूछते हैं मदन लाल जी ये बताओ हमारी टीम को रन बनाने के लिए क्या करना चाहिए। मदन लाल बड़ा सीरियस होकर बोलते हैं मुझे लगता है हमारी टीम को रन बनाने के लिए बैटिंग अच्छी करनी चाहिए। अच्छा असली चुटकुला तो अब बोलते हैं न्यूज वाले, तो ये था हमारे मदन लाल जी का एक्सपर्ट कमेंट। अब इसमें क्या एक्सपर्ट है ये मुझे नहीं पता, तो मैं एक मीडिया पर कविता आपको सुनाता हूँ कि मीडिया वाले क्या क्या कर सकते हैं और मीडिया को कभी ही आईना दिखा सकता है, वरना मीडिया में बोलने की हिम्मत 70 सालों में ना पिछली सरकार की थी ना इस सरकार की है, किसी की नहीं है। मीडिया इतना ताकतवर और इतना बलशाली हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं कवि सम्मेलन से उन पर भी विसंगतियों को गिनवाया जा सकता है। मैं एक व्यंग मीडिया पर करता हूँ, आपका भरपूर आशीर्वाद मुझे चाहिए क्योंकि मैं हिम्मत कर रहा हूँ कुछ व्यंग करने की, सुनिएगा। दिल्ली में रसोई घर में खाना बना रही महिला पर किसी ने कई बार बेलन से प्रहार किया और महिला को मृत्यु के घाट उतार दिया। ये खबर थी जी, कहीं भी हो सकती है, अब अलग अलग चैनल इसको कैसे अलग अलग तरीके से बेच रहे हैं, उनके बेचने के तरीकों पे हंसी लेना। दिल्ली में रसोई घर में खाना बना रही महिला पर किसी ने कई बार बेलन से प्रहार किया और महिला को मृत्यु के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम शुरू किया और मीडिया ने खबर का, पहले चैनल पर खबर थी क्या एक अदना सा बेलन किसी की जान ले सकता है।
क्या प्रभु छोटे से बेलन में इतनी शक्ति दे सकता है? हमारे विशेष संवाददाता जांच के लिए इसकी तह तक जाएंगे और बेलन की सही शक्ति का पता लगाने के लिए कैमरामैन के सर पे आजमाएंगे। दूसरे चैनल पर एक रिपोर्टर खाली जमीन दिखाते हुए बोला, गौर से देखिए इस जमीन को, ये कोई मामूली जमीन नहीं है, उस महिला की मौत की जड़ यही है। 500 साल पहले यहां था एक पेड़ जिसका बेहद मोटा तना था। जी हां, उसी तने की लकड़ी से वो खूनी बेलन बना था। तीसरे चैनल पर खबर थी, नमस्कार। आज का मुख्य सवाल इस प्रकार है, जिस बेलन से महिला की मौत हुई वो किस लकड़ी से बना था? ए नीम, बी शीशम या सी कोई और? अपना मोबाइल फोन उठाकर उसके मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए BELAN और भेज दीजिए 000 पर। और जो लोग इतनी रात को भी घाट पर कविता सुनने के लिए बैठे हैं, उनको सबसे बारीक व्यंग उनके चरणों में रखता हूं। चौथे चैनल पर खबर थी, नमस्कार। आज हमारे साथ मृतक महिला के पति सुधीर हैं, जो इस वक्त बेहद गंभीर हैं। सुधीर, जैसा कि हमें पता चला है कि आप दफ्तर से जल्दी आने वाले थे, अपनी पत्नी के हाथ से बने पकौड़े खाने वाले थे, दर्शक आपसे जानना चाहते हैं आपको ज्यादा किस चीज का दुख है? सुधीर, जैसा कि हमें पता चला है कि आप दफ्तर से जल्दी आने वाले थे, अपनी पत्नी के हाथ से बने पकोड़े खाने वाले थे, दर्शक आपसे जानना चाहते हैं आपको ज्यादा किस चीज का दुख है, पत्नी के मर जाने का या पकोड़े ना खा पाने का? इतना सुनकर सुधीर रो दिए। रिपोर्टर फिर बोला, सर थोड़ी देर अपना गम दबा लीजिए, मन को मत मारिए, पकौड़े बाहर से मंगा लीजिए। बस इससे ज्यादा मैं नहीं देख पाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का द्वंद। तुरंत अपना टेलीविजन किया बंद और ये विचार किया कि सबसे अलग दिखने की चाह में ये झूठ के पालने में इतना झूल गए, ज्यादातर मीडिया चैनल तो सत्य दिखाना ही भूल गए। ये इधर उधर से उरुल जुरुल खबरें सहेजते हैं, फिर उसे मन चाहे दाम पर बेचते हैं। और हकीकत तो ये है दोस्तों, सबसे तेज होने का दावा करने वाले ये चैनल्स धीरे से ही सही पर सत्य सत्य और केवल सत्य दिखाते तो हमारे देश में हत्यारे, चोर, अपराधी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी कभी नहीं पनप पाते। कभी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। न केवल काव्य प्रतिभा के लिए बल्कि जितनी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं उन सब के लिए तालियों का एक महोत्सव होना चाहिए। दीपक सैनी के लिए। अभी हमारे दीपक भाई यथार्थ पर व्यंग कर रहे थे। यथार्थ वास्तव में कभी कभी अजीब सा लगता है। अब MH1 की न्यूज एंकर बैठी हुई है, रोजाना रूबरू होती होंगी ऐसी हरकतों से। अभी अभी हमें समाचार मिला है कि ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई, करीब 1000 लोग मारे गए हैं और अनेक घायल हैं। आइए हम चलते हैं उस स्थल पर, प्रबल प्रताप वहां पर मौजूद है, वो आपको बताएंगे। प्रबल, ये बताएं कि वहां का माहौल इस समय कैसा है, जहां 1000 आदमी मर गए और कई घायल हो गए, वहां का माहौल कैसा है? और वो प्रबल प्रताप देखिए, एक व्यक्ति जिसका इस ट्रेन दुर्घटना में हाथ कट गया, हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, वो हमारे साथ हैं। आपका नाम? बोले रामशंकर। इसी ट्रेन दुर्घटना में आपका हाथ कटा है? बोले हाँ जी। बताएं आपको कैसा लग रहा है? तो ये रोजाना हमें देखने को मिलता है और उस यथार्थ पर व्यंग करना ये बहुत बड़ी बात है। मैं साधुवाद देता हूं भाई दीपक सैनी को। मुक्ति कहे गोपाल सोंप, मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। चारों धामों से निराला ब्रज धाम और उसकी विरासत, संस्कृति, खान पान, रहन सहन का जीवंत माध्यम ब्रजभूमि न्यूज यूट्यूब पर, जहां नित्य ठाकुर दर्शन, संत महंतों के आशीष वचन, भावपूर्ण भजन,
ठाकुर रासलीला के नित्य दर्शन, आध्यात्म पर चर्चा और आपकी जिज्ञासा के उत्तर, साथ ही मुख्य मुख्य आयोजनों का सीधा प्रसारण YouTube चैनल के माध्यम से। आप जुड़ें ब्रजभूमि न्यूज से और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आनंद लें ब्रजभूमि न्यूज का। प्यारा।